हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रेशोज़ को कंबाइन करना सीखेंगे कि हमारे पास अगर दो रेशोज़ गिवन होते हैं, दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, तो उसे हम किस प्रकार से उसे रेशो को कंबाइन करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम डायरेक्टली क्वेश्चन पर देखेंगे, कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे। मैं आपको डायरेक्टली किस प्रकार से इसे कंबाइन करते हैं वो बताऊँगा। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए क्या क्या गिवन है। हमारे पास गिवन है कि ए रेशो बी है जो है 9:7, और बी रेशो सी है 5:9। ठीक है, और हमें क्या कह रहा है कि हमें ए बी और सी का रेशो बताना है। अब इसमें आपने एक बात को देखा होगा कि यहाँ पर भी बी आ रहा है। देखिए, मैं और एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ, ए रेशो बी 9:7 है और बी रेशो सेवन है, बी रेशो सी है 5:9। आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर जो बी है, ठीक है, यहाँ पर जो बी है वो यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, और दोनों जगह पर आप देखेंगे तो यहाँ पर उसकी वैल्यू 7 है और यहाँ पर उसकी वैल्यू 5 है। ठीक है, दोनों जगह पर क्या है, वैल्यू डिफरेंट है। तो इस कंडीशन में आपको किस प्रकार से करना है मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या लिख देना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी सी की। सबसे पहले आपको ये पता हो चुका होगा कि यहाँ पर ए और बी है और यहाँ पर बी और सी है, दोनों में कोई भी वैल्यू सेम नहीं है, सिर्फ यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर बी की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो अभी आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आपको ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले आप यहाँ पर लिख दीजिए ए बी और सी, यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, ए बी और सी यहाँ पर लिख दीजिए। फिर यहाँ पर आपको 1 नंबर डालना है और यहाँ पर आपको 2 नंबर डालना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए, आपको इस प्रकार से सबसे पहली बार बनाना है, उसके बाद आप डायरेक्टली कर देंगे, मुझे पता है आप डायरेक्टली कर देंगे। सबसे पहले आपको मैं एक बॉक्स में बता देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से आप जब भी आप सबसे पहली बार कर रहे हो इस प्रकार का क्वेश्चन, तो आपको इस प्रकार से एक बॉक्स बना लेना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको थोड़ा सा अच्छे से एक बॉक्स बना लेना है। इस बॉक्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर भी एक लाइन चाहिए थी। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने आप बॉक्स बना लिया जब आप बेसिक से कर रहे हैं। इसके बाद देखिए, आप इसे 1 मान सकते हैं, आप इसे 1 मान सकते हैं, आप पर डिपेंडेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे 1 मानेंगे और इसे 2 मानेंगे। ठीक है, ये ए रेशो बी को हम 1 मानेंगे और बी रेशो सी को हम 2 मानेंगे। देखिए, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 है। तो 1 हमारे पास क्या गिवन है, 1 में हमारे पास गिवन है ए रेशो बी। ठीक है, ए रेशो बी, तो ए की जगह पर कितना हो जाएगा, देखिए इस प्रकार से हम लिखते हैं, ए की जगह पर कितना है, 9 है। ठीक है, बी की जगह पर कितना है, देखिए इसमें आपको देखना है कि बी कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पर बी है तो यहाँ पर हम बी को लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में आपको पता चल गया होगा, देखिए 9 को हमने ए की जगह पर लिखा और बी को हमने 7 की जगह पर लिखा। सबसे पहले आपको ये करना है, उसके बाद देखिए ये हमारा 1 में इतना ही था, देखिए ये 1 नंबर में इतना ही था, ए और बी था। ठीक है, अब आपको सेकंड नंबर पे देखना है, सेकंड नंबर पे क्या होगा, बी और सी है। तो यहाँ पर जो होगी, यहाँ पर आपको जगह अभी खाली रखनी है, आपको यहाँ पर जगह क्या रखनी है, खाली रखनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको जगह खाली रखनी है, बी और सी है, तो बी कहाँ पर है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है, तो B की जगह पर कितना है, यहाँ पर 5 है, और C की जगह पर यहाँ पर कितना है, 9 है। ठीक है, C की जगह पर यहाँ पर 9 है। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको एक काम करना है, देखिए अगर ये वैल्यू सेम होती, अगर यहाँ पर 7 होता और यहाँ पर 7 होता, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 होता, तो आपको कुछ नहीं करना था, जो 9 है यहाँ पर उतर जाता, 5 या 7 दोनों इसमें होता तो जो भी होता, जैसे हम मान लेते 7 होता तो डायरेक्ट यहाँ पर 7 उतर जाता और जो 9 होता सी का वो यहाँ पर उतर जाता। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 5 है, इस कंडीशन में आपको क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 35 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना है, इसके लेफ्ट साइड में बॉक्स छूटा है तो यहाँ पर 5 लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर जो टर्म है उसको यहाँ पर लिख देना है, और यहाँ पर 7 है, 7 के राइट साइड में क्या है, जगह खाली है, तो 7 के राइट साइड में जगह खाली है तो यहाँ पर क्या लिख देना है, 7 एक बार और लिख देना है। ठीक है, एक बार 7 और लिख देना है। अब हमने ये क्यों लिखा मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 5 करेंगे 35 आ जाएगा,
फिर हमें क्या करना पड़ता है, इसे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आप इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। फिर सेकेंड इसमें इसे इसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है जब हमें रेशो सेम करने होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिया, यहाँ पर हमने इस प्रकार से किया। अब देखिए आंसर किस प्रकार से आएगा, ये आपने कर लिया, यहाँ पर 5 था, इसके लेफ्ट साइड में 5 की जगह खाली थी तो हमने यहाँ पर 5 लिख दी। 7 के राइट साइड में जगह खाली थी तो जो यहाँ पर होगा उसको ही हमने यहाँ पर लिखना है। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब देखिए बहुत ही सिंपल है, 5 × 9 कितना हो जाएगा, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर आप कर सकते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन दे सकते हैं, ठीक है। तो 5 × 9 कितना होता है, ये 45 होता है। 7 × 5 कितना, ये हमारा 35 होता है। और 7 × 9 कितना होता है, ये हमारा 63 होता है, ठीक है। फिर ये सब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमने देखा कि जो 45 है ये 9 का मल्टीपल है, 15 का मल्टीपल है, 35 जो है ये हमारा 5 का मल्टीपल है और 7 का मल्टीपल है, और जो ये हमारा 63 है ये 7 का मल्टीपल और 9 का मल्टीपल है, ठीक है, और 3 का ही मल्टीपल है। पर देखिए कोई भी कॉमन यहाँ पर मल्टीपल नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है। जब भी इस प्रकार का अगर कोई कॉमन मल्टीपल ना हो, ठीक है, जब भी इस प्रकार का अगर कोई कॉमन मल्टीपल ना हो तो ये जो आंसर होगा यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। 45, 35 और 63, ठीक है, 30, 45, 35, 63 क्या हो जाएगा, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, हमें ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने ए बी और सी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड की है, ठीक है। तो मैं और एक बार आपको बता देता हूँ किस प्रकार से करना है, ठीक है, और एक बार बता देता हूँ। ये बेसिक लेवल से, ठीक है, ये बेसिक लेवल से मैं क्यों बता रहा हूँ कि आपको ये अच्छे से आना चाहिए, उसके बाद हम देखेंगे एडवांस लेवल से भी देखेंगे, बहुत ही सिंपल ही हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन थी, ए बी की वैल्यू गिवन थी, बी सी की वैल्यू गिवन थी, दोनों जो बी की वैल्यू है दोनों इसमें कंडीशन में डिफरेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर एक्स बॉक्स बनाना पड़ेगा, एक बॉक्स में ए बी सी लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ए बी ओ सी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए ए बी ओ सी लिख दिया। इसको हमने ए वन कंसिडर किया, इसको हमने सेकेंड नंबर कंसिडर किया। वन नंबर में हमारे पास क्या गिवन है, ए और बी गिवन है, तो ए बी सी लिखा था तो ए की जगह पर 9 लिख दिया और बी की जगह पर 7 लिख दिया, ठीक है। सेकेंड नंबर पर हमारे पास क्या गिवन था, बी और सी गिवन था, बी की जगह पर कितना है 5 था, सी की जगह पर कितना था 9 था, ठीक है। अब 5 के जो लेफ्ट हैंड साइड में वहाँ पर जगह खाली थी तो यहाँ पर हम 5 को लिखेंगे, 7 के राइट हैंड साइड में जगह खाली थी तो यहाँ पर हम 7 लिख देंगे, ठीक है। अब ये सब लिखने के बाद हमें क्या करना है, 9 × 5 कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद आपको देखना है कुछ कट रहा है क्या, ठीक है, आपस में कुछ कट रहा है, अगर कुछ भी नहीं कट रहा हो तो उसे वहाँ पर आपको स्टॉप कर देना है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इस कंडीशन में हमारा आंसर कितना है, 45, 35 और 63, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।